Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to complete our chapter two, and in this lecture, I am going to discuss all questions and parts related to your exercise two point ten. Today, 2.10 am two point ten related all question parts. Ko डिस्कस uh, करेंगे इससे पहले 2.1 से 2.9 तक अलहमद ऑल क्वेश्चन ऑल पार्ट्स ऑल एक्सरसाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने 2.9 नहीं की हुई पहले वो एक्सरसाइज 2.9 कर लीजिएगा फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाएगी सो so, स्टार्ट करते हैं जी आपको याद होगा कुछ बेसिक डेफिनेशन काफ़ी थॉरली मैंने 2.9 में आपको बता दी थी तो एक दो डेफिनेशन यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि बेटा आपके लिए आगे आसानी हो क्योंकि ये चीजें अभी हम यूज करने जा रहे हैं सो so, देखते हैं जी पहली डेफिनेशन आपको याद होगा स्टेशनरी पॉइंट की पड़ी थी बुक के पेज नंबर वन आ, वन जीरो पे आप इसको चेक कर है सकते हैं और ये क्या था दो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू तो जीरो के। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है इसको हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट जो कॉन्सेपचुअल है एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट सेम है दे आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट आइदर वे इट इज़ अ पॉइंट वेर द डवेटिव ऑफ द फंक्शन एज जीरो तो ये भी आपको बताया था नोट आपको याद होगा मैंने ये बताया था ऑब्जेक्टिव में आ सकता है स्टेशनरी पॉइंट इज ऑलवेज अ क्रिटिकल पॉइंट बट क्रिटिकल पॉइंट मे और मे नॉट बी अ स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे मैं फिर कहूँगा 2.9 पॉइंट नाइन देखिएगा थ्योरी वहाँ पे आपको ये थॉरोली मैंने तफसीली ये चीज़ें बताई हुई हैं अब जस्ट मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको रिवाइज करता जा रहा हूँ एक और डेफिनेशन पड़ी थी हम चूंकि मैक्सिमा की बात कर रहे हैं मैक्सिमा या मिनिमा की बात हो रही है तो उसके लिए हमने दो टेस्ट पढ़े थे याद आ आपको एक फ़र्स्ट डायबेटिव टेस्ट था और एक सेकेंड डायबेटिव टेस्ट फर्स्ट डिव टेस्ट आपके बुक के पेज नंबर वन वन जीरो पर आपको मिल जाएगा और ये था क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रिलेटिव मैक्सिमा के लिए हम क्या कहते थे कि फंक्शन डिफेंशल है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सी तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा अगर ए फर्स्ट डेरिवेटिव एट सम स्पेसिफिक पॉइंट चेंज इन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम होगा अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी तफसील अगर देखना चाहें तो टू पॉइंट नाइन देखिएगा वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी इसके सॉल्व किए हैं और थोरोली इसको डिस्कस किया हुआ अच्छा एक ये मैथड पढ़ा था और एक हमने ज्यादा जो था सेकेंड डेवेटिव यूज किया था तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं सेकेंड डावेटिव टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रिपल वन पेज पे आपको यह मिल जाएगा सेकेंड डेवेटिव टेस्ट में पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रिलेटिव मैक्सिमा की लेट एफ बी ए डिफ्रेंशियबल फंक्शन इन द नेबरुड ऑफ सी देन फोर्स डावेटिव इक्वल टू जीरो इफ एफ एफ डबल डैश एट स्पेसिफिक पॉइंट लेस देन जीरो अगर ये लेस देन जीरो है तो ये उलट था लेस देन है तो मैक्सिमम और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता था तो हमने इसको रिलेटिव मिनिमम पढ़ा था कुछ याद आ रहा है तो ये हमने काफ़ी क्वेश्चन में इसको हमने यूज़ किया था अभी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन हम इसी से ही करने जा रहे हैं देखो यहाँ तक अगर ओके okay है तो बताइएगा फिर आगे चलते हैं याद आ रही है चीज़ें चलें जी बिस्मिल्ला कहते हैं जी आपके पास ये बस एक दो डेफिनेशन ज़रा रिवाइज़ करनी थी ये है वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली टू पॉइंट टेन को टफ़ कंसिडर किया जाता है और मैं कहता हूँ ये ईजी एक्सरसाइज है आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपके लिए ईजी होने जा रही है क्वेश्चन नंबर वन को हम डिस्कस कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव एंटीजर हुज सम थर्टी एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम कहते हैं दो पॉजिटिव एंटीजर फाइंड करो एंटीजर होल नंबर आपको फर्स्ट ईयर में बड़ा तफसीली इस पर लेक्चर हो चुका है पॉजिटिव एंटीजर चाहिए जिसका सम थर्टी है देखें आ, ये मुख्तलिफ़ वेस है आपके बुक वगैरह में किए एक मैं सा समझा रहा हूँ कि हम सपोज कर लेते हैं जी दो नंबर हैं हम एक को एक्सपोज कर लेते हैं सो सपोज द फर्स्ट रिक्वायर्ड पॉजिटिव एंडीजरेज एक्स तो दूसरा क्या होगा नॉर्मली की बुक वाले भी वाई कह देते हैं लेकिन एक और कंसर्ट भी वो यूज़ करते हैं जो कि मैं इधर कह रहा हूँ कहता है अगर एक नंबर एक्स है तो हमारे पास सम है थर्टी मैं आपको इस तरह बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास थर्टी डॉलर हैं हमें टू परसेंट में डिवाइड करने हैं तो अगर एक पर्सन को हम टेन डॉलर दे रहे हैं तो दूसरे पर्सन को कितने देंगे आई रिपीट माई क्वेश्चन अगर आपके पास थर्टी डॉलर हैं और आप एक पर्सन को टेन डॉलर दे रहे हैं दोनों में हमने उसको थर्टी डॉलर डिवाइड करने हैं तो एक को टेन दे रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे जारी बात थर्टी में से हम टेन निकाल लेंगे तो ट्वेंटी डॉलर जो होंगे वो दूसरे पर्सन को मिल जाएंगे सेम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता ये इंटीजर क्या है थर्टी में से हमने एक्स कह दिया है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा देन द सेकेंड पॉजिटिव उसको टोटल में से सब जिस तरह थर्टी में से हम टेन सब्टेट कर रहे थे ये थर्टी में से एक्स कर लेंगे डिवाइड तो ये सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा देखो यहां तक कोई बात मसला तो ये अभी जो है फाइन टू पॉजिटिव इंटीजर सम इज़ समर्टी यहां तक मैंने अभी ये फर्स्ट टू स्टेप कंप्लीट किए देखो ओके okay. अब गिवन कंडीशन पे आ जाएं कहता है इनका जो प्रोडक्ट है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि यार मैक्सिमम है या नहीं उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ जाना पड़ेगा प्रोडक्ट मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मीन पी इज इक्वल टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30X minus X square. अच्छा आ जाएगा थर्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा जी सेकेंड डिवेटिव टेस्ट करना ऑब्वियस बात पहले हम फर्स्ट डिवेटिव लेंगे तो डिफेंशिएट राइट साइड पे वेरिएबल एक्स है सो so ऑपरेटर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्स कर रहे हैं अब ये डवेटिव हम टू पॉइंट थ्री से ऑल द वे पढ़ते आ रहे हैं जिनको अब डवेटिव नहीं लेना आता कैंडी टू पॉइंट थ्री की स्टार्टिंग देख लीजिएगा आपको पावर रूल क्वेश्चन ये जो मेन रूल है आपको वहाँ पर आ जाएंगे सो so, हमने ऑपरेटर यूज किया है डी ओवर डी एक्स तो दिस विल बी कम डी पी ओवर डी एक्स तो एक्स का डिव कॉन्स्टेंट बाहर आ गया है ऑपरेटर हमने वेरिएबल पे किया इसी तरह एक्स स्क्वायर और एक्स का डेटिव क्या होता था याद है यस एक्स का डि और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बिल्कुल पार रूल अप्लाई कर लेंगे और पार रूल क्या होता था पार को हम नीचे उतारते थे पार में से एक माइनस करते थे बेस का डरेवेटिव चूंकि बेस एक्स है आप डायरेक्ट भी इसका लिख सकते हैं और एक्स का डवेटिव वन है देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ये काम वही है जो हम सिंपल डिफेंसियशन में कर रहे हैं सिर्फ ये इक्वेशन बनाना है इसमें एक आर्ट है और उसके बाद जस्ट सेकेंड डेवेटिव को हम देखेंगे खैर थर्टी टू वन थर्टी आ जाएगा और एक्स का डेवेटिव वन है टू में से वन निकाल लेंगे वन आ रहा है देखें जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन चले और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां तक हमारे पास आ चुका है जी जी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था अब हम क्या कहते हैं इसको अगेन डिफेंशिएट करते हैं क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं सो अगेन डिफेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो दोबारा कर रहे हैं सो so ये आ जाएगा डी स्क्वायर पी डी और एक्स और ये कॉन्स्टेंट कोई भी अकेला उसका डेरिवेटिव जीरो होता है और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन होगा सो so ये इसकी जगह जीरो आ गया इसकी जगह वन तो ये आ गया माइनस टू

सो so, एक्स की वैल्यू निकालते हैं थर्टी ये टू एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो गया है टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू क्या 15 आ जाएगा फिफ्टीन आ रहा है देखिएगा जी यहां तक कोई कंफ्यूजन अब इस एक्स की वैल्यू को कहां रखते होते थे हम याद करें बोलो कोई बात नहीं अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो बोलने से वो रवीयन होती जाएगी इसको हम सेकंड डावेटिव में पुट करते थे सो एक्स इज एक टू फिफ्टीन इन इक्वेजन थ्री ये सेकंड डायवेटिव अब मसला ये है कि इसके राइट साइड पे एक्स है ही नहीं है तो पुट नहीं हम कर सकते मीन लिखेंगे नहीं आएगा माइनस हुआ तो माइनस टू ही रहेगा कोई चेंजिंग नहीं होगी ये आ जाएगा लेस देन जीरो लेस देन जीरो में फंक्शन हमने क्या बोला था सेकेंड डायवेटिव टेस्ट में यस रिलेटिव मैक्सिमा ठीक है तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है यही उसने कहा था देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम ये आ गया मैक्सिमम अब दोनों जरा इंटीजर भी फाइंड कर लेते हैं देखे हमने फर्स्ट इंटीजर को सपोज किया था एक्स और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है क्या आई है ये देखो फिफ्टीन तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर फिफ्टीन है तो सेकेंड क्या होगा आप जो शुरू में सपोज किया था वही चीज आ रही है सो थर्टी माइनस एक्स और यू कैन से दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन सो so, आपके पास दोनों पॉजिटिव एंटीजर आ चुके हैं 15 एंड माइनस फिफ्टीन देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो आप वैसे भी सम करके देखेंगे तो 15 प्लस फिफ्टीन ऊपर देखें तो उसने यही कहा था कि टू एंटीजर हो सम इज थर्टी वो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो ये थी जी आपकी फोर्स वर्ड प्रॉब्लम आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू है अगेन आप इसको पहले डी कोड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन डिवाइड सो दैट द सम ऑफ मैथमेटिक्वेंटी स्क्वायर विल बी मिनिमम खैर पहले डिवाइड करते हैं जी ट्वेंटी उसी तरह डॉलर वाली थी चले ट्वेंटी डॉलर है हम एक पर्सन को टेन डॉलर देते हैं या फाइव डॉलर देते हैं तो दूसरे पर्सन को क्या करेंगे ट्वेल्व में से ट्वेंटी में से फाइव निकाल लेंगे तो दूसरे पर्सन का आ जाएगा तो यहां पे डिवाइड का वर्ड लिखा हुआ है लेकिन उस तरह नहीं करना जिस तरह आम रूटीन में बच्चों की तरह डिवीजन कर रहे होते हैं यही है कि आपको पास ट्वेंटी डॉलर आपने टू परसेंट में डिवाइड करने आप इसको इस कॉन्सेप्ट में लें तो आपके लिए ये होगा हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्स है ट्वेंटी को टू पार्ट्स में करना है एक्स को एक्स बोला है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा बताएंगे यस देन द रिक्वायर्ड सेकेंड पार्ट विल बी ट्वेंटी माइनस एक्स टोटल में से एक्स निकाल लेंगे हमें नहीं पता वो एक्स क्या है जो भी आएगा अभी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं सो so, आगे चलते हैं सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। गिवन कंडीशन की तरफ आते हैं ट्वेंटी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा देखिएगा so, यहां तक कोई कंफ्यूजन सो समय तो आप इसको सिंपलीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद है क्या होता था Yes, so स में होती है जो आपको उम्मीद है कि काफी हेल्पफुल होती है तो मैं साथ साथ करता जाऊंगा ट्वेंटी का अब सिम्प्लीफाई कर लें ट्वेंटी स्क्वायर फोर हंड्रेड एक्स स्क्टी इन और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू एक्स स्क्सोर्ट प्लस फोर हंड्रेड ये हमारे पास डी कोड होने के बाद फंक्शन आ चुका है अब हमने ये चेक करना है कि ये मिनिमम रिलेटिव मिनिमम की बात कर रहे हैं कि नहीं और उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करने जा रहे हैं फिलहाल पहले देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके है चलें जी चलते हैं जी सेकेंड डेवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं सारी बात सेकेंड तक जाने के लिए हमें पहले फर्स्ट डिव लेना पड़ेगा ओके सो डिफेंशिएट दिस ये हमारे पास इक्वेशन वन आ चुकी थी डिफेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स ऑपरेटर यूज करें जी दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स तो लेफ्ट साइड पे एफ डैश आ जाएगा राइट साइड पे लेदर लेदर ऑपरेटेड कर देंगे टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नेगेटिव फोर्टी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव ये वैसे फोर हंड्रेड अकेला कांस्टेंट है अब इधर कौन सा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जरा जी कौन सा रूल लगेगा यस पावर रूल और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलते जाओ मैं फिर कह रहा हूँ जो यूट्यूब पर है जो घर में बैठ के कह रहे हैं काइंडली बोला करो ताकि बेटा सीखने को मिले ताकि आपकी रिविजन हो सो so, एक्स का डेरिवेटिव वन अकेला कॉन्स्टेंट आ जाए उसका डेरिवेटिव जीरो बिल्कुल ये तीनों चीजें मैं इधर कह रहा हूं पहले पावर रूल की बात हुई तो है फिर एक्स के डेवेटिव की एंड देन कॉन्स्टेंट की सो so, पे हम रूल अप्लाई करें पार को नीचे उतारे पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव डेरिवेटिव बेटा वन होता है और अकेला कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जीरो एक्स so, का डिवन तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फोर एक्स माइनस फोर्टी सो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव को मुश्किल बात चलें चले नहीं. अब चलते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव की सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू अगेन एक्सदा से दोबारा करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो ये डैश की जगह एफ डबल डैश आ जाएगा फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया एक्स का डेवेटिव और कॉन्स्टेंट का डेवेटिव एक्स का डेवेटिव वन अगेन और कॉन्स्टेंट अकेला उसका डेवेटिव जीरो आ रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा फोर ठीक है ये जीरो हो जाएगा तो फोर इंटू वन फोर आ जाएगा देखें यहां तक कोई कन्फ्यूजन तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव आ गया उसके बाद क्या कहते होते थे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था इक्वेशन टू थी फोर एक्स माइनस फोर्टी सो फोर एक्स माइनस फोर्टी को इक्वल टू जीरो रखें यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें नेगेटिव निगेटिव फोर्टी उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव फोर्टी फोर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो एक्स आपके पास आ गया टेन और इस एक्स की वैल्यू को क्या करते होते थे किस डेरिवेटिव में रखना है मैं फिर कहता हूं बोलते जाओ सेकेंड डायबेटिव है तो इसको हम सेकंड में रख के देखते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है जी एक्स की जगह टेन आ जाएगा राइट साइड पे वेरिएबल है ही नहीं कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा और फोर पॉजिटिव है मीन ग्रेटर ग्रेटर देन देन है होगा तो फंक्शन क्या होगा रेलेटिव मिनिम तो अगर आप देखें यही नहीं हमने करना था स्क्वायर विल बी मिनिमम देखो हमारा मसला सॉल्व हो गया है और लेकिन हमने दो नंबर भी तो जरा फाइंड कर लें फर्स्ट पार्ट को हमने एक्स बोला था और एक्स किसके इक्वल आया है ये देखो एक्स आ गया टेन के इक्वल और सेकंड पार्ट हमने क्या बोला था 20 माइनस एक्स याद है शुरू में दोनों सपोज किए थे सो so, 20 माइनस टेन अगेन इज इक्वल टू टेन सो आप देखें जी आपके पास दोनों पार्ट्स आ गए हैं 10 एंड uh, 20 के दोनों पार्ट जो आए हैं टेन एंड टेन देखिएगा जी यहां तक कोई कन्फ्यूजन तो आप देख रहे हैं ये मिलते है जुलते क्वेश्चन है सिर्फ एक दफा आपने क्वेश्चन को डी कोड करना है और उसके बाद फिर आपके लिए सेकेंड डेविटिव वही काम है जो हम 2.9 में कर रहे थे क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन डीकोड कहते हैं जी फाइन टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम मुझे ये बताएं फर्स्ट नंबर को हम क्या सपोज करेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या करेंगे बोलो एक्स सेकंड क्या होगा यस टोटल एज सम 12 तो so सेकंड क्या होगा 12 x वेल well डन गिवन कंडीशन की तरफ आ रहा है कहता तो है प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर इसके एक का प्रोडक्ट जो होगा दूसरे के साथ ये मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर का मतलब क्या आ रहा है जी देखो ये है 12 माइनस एक्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे इसके स्क्वायर से कि एक को दूसरे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ अदर विल बी मैक्सिमम तो हमने ये चेक करना है मैक्सिमम है या नहीं तो सबसे पहले तो इसको ट्वेल्व को अंदर मल्टीप्लाई कर दें मैक्सिमम के लिए हम क्या करने जा रहे हैं अगेन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद करें शाबाश आप कर सकते हैं और बाद में फिर मेरे प्ले कीजिएगा वीडियो को मेरे साथ चलिएगा चले पहले इसको तो जरा खुद उसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं और खुद सॉल्व करें चलें शाबाश होफुली नहीं जिन्होंने कर लिया होगा वो साथ आप मेरे साथ शामिल होंगे सो डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिए आज से डिफेंशिएट करें दोनों तरह ऑपरेटर यूज कर लें इधर आ जाएगा डी पी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट बेटा बाहर आ जाएगा डायवेटिव एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स क्यूब आ रहा है एक्स स्क्वायर का डायवेटिव क्या होगा पावर रूल एक्स क्यूब का डायरेटिव क्या होगा पावर रूल

और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी जी चलते हैं आगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स आपके पास बेटा क्या आ रहा है ये डीपी वर्ड आ चुका था ये आपका डेरिवेटिव है आगे हमें सेकंड डेवेटिव चाहिए क्या करेंगे अगेन डिफेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स दोबारा इसको एक्स से लेकर डिफेंशियट कर लेंगे तो ये बेटा 24 आ जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा वेरिएबल एक्स का डेवेटिव नेगेटिव थ्री कॉन्स्टेंट बाहर है और एक्सक्वायर का डेरिवेटिव सो अगेन एक्स का डेवेटिव वन एक्सक्वायर के लिए क्या करेंगे सेम प्रोसीजर पार रूल अप्लाई करेंगे पार को नीचे उतारें पार में से माइनस कर देंगे और एक्स का डेवेटिव वन होता है तो यहाँ पे तो ये वन आ गया यहाँ पे पार रूल अप्लाई करें पार को नीचे उतारें पार में से, से माइनस करें और अगेन एक्स का डेवेटिव क्या वन आ जाएगा थ्री टू जार सिक्स ओके ये ले ली सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया अब क्या करते होते थे बोल दो जी। फर्स्ट को इक्वल रखें ताकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए जिसके साथ हमने खेलना है सो so, आइर कर so, करके लिख लेते थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा एक तो ये थ्री उधर जाके जीरो से डिवाइड होगा जीरो हम ले नहीं सकते ठीक है टू पॉजिटिव उस समय समर्टी है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो आगे चलते हैं एट माइनस एक्स सो एक्स जीरो टू एट इसके साथ अब हम आ, आगे चलने जा रहे हैं सो एक्स जीगो टू एट की बात हो रही है इसको हम पुट करते हैं किसमें सेकेंड डेरिवेटिव में याद है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं और सेकेंड की एन थ्री थी और वो क्या थी ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स एक्स इस एक्स की जगह पर हम एट रख रहे हैं सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव ट्वेंटी फोर विच इज लेस देन जीरो तो फंक्शन क्या होगा यस yes, फंक्शन हुआ रिलेटिव मैक्सिमम ये हमारा टास्क पूरा हो गया जी मैक्सिमम कर दिया टू पॉजिटिव इंटीजर जो सपोज किया था फर्स्ट को हमने एक्स बोला था एक्स हमारे पास क्या आया एट तो दूसरा क्या होगा ट्वेल्व माइनस एक्स था सो ट्वेल्व माइनस कर लेंगे तो सेकंड इंटीजर भी हमारे पास आ गया सो रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो हैं जी एट एंड फोर देखिएगा कोई कन्फ्यूजन अब ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ये ठीक है कमेंट में जरूर बताया करें मैं बार बार कहता हूं ये मोटिवेशन होती है मेरे लिए भी और बाकी स्टूडेंट के लिए भी कि आपने खुद सॉल्व किया चले आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर दी पेराीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज सिक्स वर देंथ ऑफ दाइड फॉर मैक्म एरिया पैरामीटर क्या होता है किसी भी चीज का पैरामीटर निकालने के लिए एक सिंपल आपको फॉर्म बताई थी पैरामीटर के लिए सिंपल डेफिनेशन देने में रखो समल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल की तीन साइड है अब चलते हैं जरा इसको बिल्ड करते हैं अब वो ये कह रहा है कि जी एज द फोर्स ऑफ दाइंगल जो है वो सेंटीमीटर है तो हम ये ट्रायंगल बेल्ट कह रहे हैं जी इसकी एक साइड उसने खुद कहा था जी सेंटीमीटर हमने उसको का नाम दे कोई मुश्किल बात तो सेकंड साइड क्या होगी सपोज द लेंथ ऑफ द सेकंड साइड इन सेंटीमीटर यूनिट लिखी गए हमें नहीं पता उसकी सेकंड साइड क्या हमने उसको नाम दे दिया थर्ड साइड क्या होगी फिर देखो एक तो एक्स एक सिक्स एक दी हुई थी एक हमने एक्स कह दी है तीसरा हम इन दोनों को यूज करते हुए करेंगे और कैसे करेंगे इसके लिए उसने कंडीशन दी हुई है सेंटीमीटर क्या है कि सम ऑफ द साइड हमारे पास ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड साइड इज इक्वल टू साइडीन है तीन साइड है तीनों का सम ले लिया है फर्स्ट साइड को हमने क्या बोला था ये सिक्स है सेकेंड साइड को एक्स है थर्ड साइड निकाल रहे हैं पहले तो थर्ड साइड क्या आ जाएगा सिक्सटीन सिक्स प्लस एक्स उधर जाकर माइनस करेंगे सो थर्ड साइड Will be 10 minus x. So length of the third थर्ड साइड इज x. हमने c कह दी यह तो है हमें। यहां तक कोई कंफ्यूजन अब वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ साइड फॉर मैक्सिमम एरिया एरिया मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरो फॉर्मूला याद है एरिया की बात हो रही ना एरिया हमने मैक्सिमम करना है तो एरिया के लिए हम हीरो फार्मूला लगा रहे हैं याद है फर्स्ट ईयर में लगाया था और ये फार्मूला क्या होता था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओके जी एस कैसे आता था याद है एस होता था ए प्लस बी प्लस सी और टू जरा चाइल्ड हुड की बातें याद करो फर्स्ट ईयर में आपको याद हो ये सारी चीजें की थी ए बी सी हमने अभी इधर निकाल लिया हुआ है सिक्स एक्स और सिक्सटीन टेन माइनस एक्स सो ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर लें ब्रैकेट ओपन करें एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा टेन प्लस सिक्सटीन ओवर टू एस आ गया आपके पास एट के इक्वल देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ये एस की वैल्यू हम ये हीरो फॉर्मूले में रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा एट इन टू एट माइनस ए एस एक्स था बी एक्स था सी आगे बाद टेन माइनस एक्स तो देखो एस ए बी सी की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है देखो यहां तक कोई कन्फ्यूजन अगर ये हो गया है हमें एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं सो so बेटा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर हमारा चल रहा है यहां तक हमारे पास आ चुका है इसको सिंप्लीफाई करते हैं एट माइनस एक्स टू आ जाएगा और ये नेगेट नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव टेन प्लस टेन आ जाएगा नेगेटिव टू या एक्स माइनस टू आ रहा है अब खत्म करते हैं अंडर रूट में अच्छा पहले एक्स और एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई कर लें रूटीन की मल्टीप्लीकेशन एट इंटू एक्स एक्सटीन एक्स इंटू एक्सर एंड तरतीब लगा दी थी पहले लिखा है और सिक्सटीन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी पहले देखें नहीं यहां तक कोई कन्फ्यूजन अब बेटा अंडर रूट ले लें ले, हमें under, uh, ले, ले लेंगे खत्म करना है सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज कर रहे हैं हम ये कहते हैं ट्राइंगल यानी कि यह डेल्टा स्क्र को हमने ए का नाम दे दिया ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक एग्जाम्पल में भी लगाया हुआ है सो so, अगर कोई उसमें भी हेल्प लेना चाहे तो आपको मिल जाएगी सो so, डेल्टा स्क्वायर की जगह मैंने ए कह दिया उस पूरे को हमने एक्चुअली ये क्या करना है इसका एरिया मैक्सिमम के लिए और अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सारा काम वही करेंगे सो so, पहले हम क्या करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं सो दिस डिफेंशिएट बाकी काम वही है बाकी काम वही है जो हम पिछले तीन क्वेश्चन या पिछले एक्सरसाइज से कर रहे हैं सो डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेटिव सिक्सटीन बाहर आ जाएगा ऑपरेटर स्क्वायर पे वन ओवर सिक्सटी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ऑपरेटर एक्स पे अकेला कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव ले लिए फिर देखें तो पावर रूल लग जाएगा स्क्वायर का पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव बेटा वन होता है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जीरो के आ जाएगा सेंस करके अगर कर फॉर्मूला दिख लेंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी अगेन एक्स का डिवन आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये सेकेंड डेरिवेटिव तक फर्स्ट डेरिवेटिव तक आपके पास आ चुका है

इसके बाद क्या करते होते थे यस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू जीरो रखेंगे तो देखते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वल टू जीरो रखा है तो आपके पास ये आ जाएगा नेगेटिव थर्टी टू एक्स प्लस वन सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा प्लस उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा थर्टी टू मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा सो दिस विल इक्वल टू फाइव एक्स की वैल्यू फाइव आ चुकी है क्या करते होते थे इसको सेकेंड डाइवेटिव में पुट करते होते थे तो सेकंड डायबेटिव में पुट करते हैं इक्वेशन थ्री में रखेंगे तो आपके पास ये है नेगेटिव थर्टी टू इधर वैसे ही एक्स नहीं है तो पुट नहीं करेंगे तो आंसर आ रहा है नेगेटिव लेस देन जीरो अगर ये लेस देन जीरो है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा सो वी गेट मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू फाइव अब हम साइड भी जरा फाइंड कर लेते हैं ये तो हो गया उसने कहा था फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये हमारा टास्क पूरा हो चुका है तीनों साइड है उसमें से एक साइड दी हुई थी फर्स्ट साइड इज इक्वल टू सिक्स थी सेकंड साइड को हमने एक्सपोज किया था सो सेकंड साइड विल बी इक्वल टू फाइव क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइव आ रहा है और यूनिट जरूर लिखिएगा सो सेकेंड साइड विल बी इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एंड लास्टली फॉर द थर्ड साइड हमने बोला था टेन माइनस एक्स सोरो प्ले साइड्स इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव थर्ड साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो ये आपके पास तीनों साइड भी आ गई और हमने मैक्सिमम एरिया भी कर दिया देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके है जी चलें फिर आगे चलते हैं आगे देखते हैं दी क्वेश्चन नंबर फाइव है और अगेन हम वर्ड uh, प्रॉब्लम है इसको डीकोड करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर फाइव को देख रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ ऑफ लार्जेस्ट एरिया पेराीटर एस इक्वल टू वन टी सेंटीमीटर डायमेंशन मीन उसकी लेंथ और वेथ आपने फाइंड करनी है दिस टाइम ट्राइंगल नहीं है हमारे पास क्या है जी लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है जी तो हम क्या कहते हैं कर लेते हैं जी लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर है लिख लीजिएगा साथ ये, ले जी, एक बनाते है, ये आपके पास है ये डायमेंशन भी एक्चुअली एक्स और वाई भी हमने फाइंड करनी है अब वो ये कह रहा area, है लार्जेस्ट एरिया ठीक है लार्जेस्ट एरिया है बट इसमें एक और चीज दी हुई थी पैरामीटर और पैरा इसका क्या दिया हुआ है उसने वन टू जीरो पैरामीटर एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है सम ऑफ द साइड्स होता है ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा यानी कि ऑपोजिट साइड सेम होती हैं रेक्टेंगल है तो ये टू एक्स और वाई ये है तो ऑपोजिट भी वाई होगा सो so अगर हम टोटल देखें पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब इसमें क्या करेंगे खुद उसने कहा था कि इसका पैरामीटर जो है वो 120 है सो so, 2x एक्स प्लस टू वाई इज एक टू वन टू जीरो टू कॉमन निकाल लो टू तो जाके डिवाइड हो जाएगा 120 ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स तो एक वर्ड उसने यूज किया था पैरामीटर यहां से y की वैल्यू निकाल लो एक्चुअली हमारे पास दो ही इवेन आनी है जिनको हमने मेथड से करना है तो एक्चुअली हमें x और y चाहिए तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली आप x की भी निकाल सकते हैं अच्छा जी पहली कंडीशन उन्होंने पैरामीटर वाली दी दूसरा ये था कि एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ लेंथ बात एक्स वेथ क्या है वाई कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है हमें मैक्सिमम एरिया करना है सो so, ये वाई की वैल्यू यहां से 1 को हम टू में पुट कर देते हैं सो दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एक्स इन टू एज इक्वल टू एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स सो मल्टीप्लाई दिस एक्स इन दिस सो सिक्स एक्स माइनस एक्स ये आपके पास एरिया आ गया है हमें इसको लार्जेस्ट करना है लार्जेस्ट मीन हम क्या करेंगे मैक्सिमम एरिया इसका निकाल लेंगे. और मैक्सिमम के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे यस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे सो so आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालते हैं सो डिफेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑपरेटर यूज कर लें दोनों तरफ यह over Dx, 60 constant आ जाएगा d ओवर डी एक्स सिक्सटी कॉन्स्टेंट है x का डिव आ जाएगा x x का का बेटा होता है लगाएंगे पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें और बेस का डवेटिव लें और बेस चुके एक्स x, एक्स x का डिवे इधर वन आ रहा है सो यहां पे भी x का डिवन आ जाएगा सो आर फर्स्ट डेवेटिव विल इक्वल टू सिक्सटी माइनस टू एक्स एनी प्रॉब्लम

और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ये ये आपके पास क्या आ जाएगा? थर्टी के आ रहा है। so 60 divided by 2 is equal to 30 है। अब बेटा क्या करेंगे इसको किधर पुट करते होते थे हम Yes, राइट so, साइड so, second right पे वेरिएबल एक्स आया नहीं है माइनस टू था तो ये माइनस टू ही रहा इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई और अगर ये माइनस टू है तो ये लेस देन जीरो हुआ और अगर लेस देन जीरो है तो ये क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमम यही नहीं हमने करना था उसने कहा था मैक्सिमम एरिये की बात हो रही थी अगर हमारे पास ये मैक्सिमम आ चुका है तो हमारे पास अब इसकी डायमेंशन एक्चुअली फाइंड करनी थी और डायमेंशन हमारे पास क्या था एक एक्स की वैल्यू थी और एक क्या थी वाई की वैल्यू थी एक्स हमारे पास आ चुका है सो इट्स लेंथ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा थर्टी सेंटीमीटर सो लेंथ थर्टी सेंटीमीटर है विर्थ क्या हो जाएगी या ब्रेथ क्या हो जाएगी उसके लिए आपको याद होगा

आगे बेटा आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन फाइव तक हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं सिक्स में देखें यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया थर्टी सिक्स सेंटीट्रीमीटर ये उससे मिलता जुलता ही है जो अभी हमने किया है और उसका पैरामीटर मिनिमम है वहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ था तो एरिया मैक्सिमम करना था यहाँ पे एरिया दिया हुआ और पैरामीटर मिनिमम है बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है मिलता जुलता क्वेश्चन है कोशिश करते हैं जी इसको हम करने की सो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है सोलूशन की तरफ आते हैं सपोज द लेंथ ऑफ तो द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर इज एक्स सेम पैटर्न पे, पे ये आपके पास रेक्टेंगल है जी लेंथ इसकी एक्स आ गई है वेथ या ब्रेथ हम वाई बोल रहे हैं अगेन यूनिट सेंटीमीटर ही है सो सेंटीमीटर लिखिएगा साथ गिवन कंडीशन वो ये कह रहा है कि इसका एरिया पहले उसने पैरामीटर 120 पिछले क्वेश्चन में था यहाँ पे एरिया 36 है एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या था लेंथ इनटू टू

अपोजिट साइड ये एक्स है तो अपोजिट ये भी एक्स होगी ये वाई है तो ये भी वाई है सो पैरामीटर सम ऑफ द साइड्स की बात आए तो टू एक्स प्लस टू वाई वाई की वैल्यू आप यून वन से पकड़ें और इधर आप पुट कर दें तो वाई की वैल्यू यहाँ से पकड़ें जी मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ओवर एक्स जो कि थर्टी सिक्स ओवर एक्स थी हमारे पास तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये सेवेंटी टू ये एक्स ऊपर जाके नेगेटिव वन हो जाएगा क्योंकि हमने डिफेंसिएशन अभी करनी है डेरिवेटिव लेने हैं इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया है यहां तक देखें जी कोई कंफ्यूजन हमारे पास मेन फंक्शन आ चुका है हमने इसको मिनिमम प्रूव करना है पैरामीटर की बात हो रही है तो चलते हैं जी वैसे आप इसको खुद भी अटैम्प्ट करना चाहें तो वहां पर वीडियो स्टॉप करके कर सकते हैं मैं अभी इसको करने जा रहा हूं बल्कि वीडियो स्टॉप करें और खुद करें लेंथ और वेथ निकालें क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो किया है शाबाश इसको खुद करने की कोशिश करें फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा चलें जी वीडियो स्टॉप करें ओके जी होपुली जिन्होंने करना हो, होगा उसने कर लिया होगा सो so, हमारे पास पैरामीटर ये आ चुका था इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से हम इसको क्या करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट करते हैं सो so, ये आ जाएगा डी पी ओवर डी एक्स बेटा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा वेरिएबल का डेरिवेटिव सेवेंटी टू बाहर आ जाएगा वेरिएबल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है x का डेरिवेटिव बेटा वन के इक्वल होगा और ये पार रूल अप्लाई करेंगे पार रूल आपको क्या कहता है पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें और फिर बेस का डेरिवेटिव और देखें तो ये टू सेवनटी टू ओवर एक्स स्क्वायर ये बेटा माइनस वन और माइनस वन प्लस टू नेगेटिव टू हो जाएगा नीचे आके ये पॉजिटिव हो गया और एक्स का डेरिवेटिव वन है सो ये आ गया सेवनटी टू ओवर एक्स स्क्वायर ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा सो तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है आप क्या कहते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगेन ये x2 है इसको ऊपर ले जाएं पावर टू आ जाएगा सो टू का अलगा ले, ले ले 72 कांस्टेंट बाहर है और पावर रूल अप्लाई कर देंगे किस पे पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया होपफुली आप कर सकेंगे सो so, ये 72 144 है और x पर -3 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है सो so, इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया स्टेप लिखना चाहें तो आप जरूर पूरे करें सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है अब हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू रखते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था डी पी ओवर डी एक्स इज एक टू जीरो और वो क्या था टू माइनस सेवनटी टू ओवर एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू चाहिए ये सेवनटी टू ओवर एक्सक्वायर होते जाके पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्र आ जाएगा थर्टी सिक्स बाई टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड तो ये प्लस सिक्स आ जाएगा चूँकि लेंथ की बात हो रही है सो हम पॉजिटिव ले रहे हैं अब बेटा क्या करते थे इस एक्स की वैल्यू को पुट कर लें सेकेंड डेवेटिव और सेकेंड डेवेटिव क्या था वन फोर्टी एक्स क्यूब एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा क्यू तो वन फोर्टी फोर ओवर टू सिक्सटीन आ जाएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है प्लस में आ रही है पॉइंट्स में हमें टेंशन नहीं है लेकिन ये प्लस में है प्लस का मतलब क्या है ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का फंक्शन मतलब है फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा ये नहीं प्रूव करना था हमने तो ये हो चुका है जी मिनिमम

Scenario. आगे चलते हैं next question number seven की तरफ वॉल्यूम ऑफ फोर क्यूबिक एक बॉक्स है जी जिसकी बेस स्क्वायर है और ओपन टॉप ओपन टॉप का मतलब है उसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं है डक्कन नहीं है ठीक है ऊपर कवर नहीं है उसका आप अपने क्लास का जो डाइस है ना उसको ज़रा देर में रखो आप समझो ये डाइस की बात हो रही है तो वो ये कह रहा है कि ऊपर वाला इसका हिस्सा नहीं है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस बेस उसकी स्क्वायर है एंड ओपन टॉप इज़ टू हैव है वॉल्यूम ऑफ फोर क्यूबिक इसका वॉलीम दिया हुआ है आपने डायमेंशन फाइंड करनी मीन लेंथ विथ और हाइट की बात करें फॉर द लीस्ट मटीरियल लीस का मतलब मिनिमम की बात हो रही है क्वेश्चन समझ आ रहा है चले मैं उसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा और समझ आ जाएगा तो हम ये कहते हैं हमें डायमेंशन चाहिए हम कहते हैं लेंथ ऑफ द बॉक्स यूनिट डेसीमीटर है तो वो हमने एक्स कह दिया ये देखो उसने ये कहा था बॉक्स ये बनता कैसे क्योंकि अगर हम बात करें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ये स्क्वायर बेस है स्क्वायर बेस का मतलब लेंथ और वेथ क्या होगी सेम होगी उसने यही कहा ना विद द स्क्र बेस अ बॉक्स विद द स्क्र बेस तो लेंथ भी एक्स है भी है अब बात करें यह स्क्वा ये, ये क्यूब कैसे बनेगा बॉक्स ये देखें ये आप इसकी हाइट बढ़ाते जाएं ठीक है जी तो जैसे जैसे आप इसकी हाइट बनाएंगे ये बॉक्स जो है ये अपनी शेप में आना, ये देखें ये हाइट बढ़ रही है इस साइड को हम सपोज कर रहे हैं कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है इसको हमने एज का नाम दिया है देखें यहां तक तो कोई कंफ्यूजन लेंथ विथ हाइट समझ आ गई है फोर जी किया गिवन कंडीशन उसने ये कहा है इसके वॉल्यूम की बात हो रही है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट भी है, भी है है और हाइट भी एक्स है आप डायग्राम बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है ना भी बनाएं तो गुजारा हो जाएगा सो ये एक्स इंटू एक्स इंटू एच बेहतर है आप डायग्राम बना लें तो ये वॉल्यूम आपके पास आ गया और यहां पे हम बात करें तो उसने वॉल्यूम दिया हुआ था फोर क्यूबिक तो वी की जगह हमने क्या लिख ली है लिख दिया देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन सो वॉल्यूम फोर आ गया है। आपको याद हो हो रहा। डिवाइड हो इसको, एक का नाम दिया है। इसको अभी हम आगे यूज करने जा रहे हैं यहां तक कंफ्यूजन अब बेटा आगे चलते हैं आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है सरफेस एरिया की बात होगी टोटल सरफे एरिया बॉक्स मैं फिर कह रहा हूं डाइस को देर में रख ले तो आपके पास क्या होगा बेस एरिया बेस वो उस बॉक्स का क्या था किस शेप का था वो याद है रिक्टेंगल रिक्टेंगल मीन ये बेस एरिया क्या आ जाएगा स्क्वायर बेस है तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू वेड तो स्क्वायर बेस क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने लगा हूँ लेंथ इंटू वेड चूँकि स्क्वायर थी तो ये बेस एरिया स्क्वायर था तो ये हमने नीचे एक्सक्वायर लिख लिया देखो ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है अब एक अगला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं हम टोटल सरफेस एरिया लेकिन इस बॉक्स का मसला यह था कि इसका कवर नहीं था इसका टॉप नहीं था ऊपर वाला नहीं था हिस्सा अब एक्चुअली हमारे पास फोर साइड तो है ना इसकी फोर साइड से मतलब कौन कौन सी हैं देखो मैं फिर कह रहा हूं आप अपने जो क्लास का डाइस है उसको जेन में रखो चार साइड्स हैं कौन कौन सी ओपन टॉप था ये तो निकल गया बीच में चार साइड अब कौन कौन सी हैं ये देखो ये देखो डाइस का ये राइट साइड है ये लेफ्ट है ये सामने वाली साइड है और ये बैक साइड चार साइड आ गई कि नहीं बॉक्स की ये डायग्राम बनाना चाहें ठीक है नहीं है तो ये सारा कॉन्सेप्ट को मैंने करवाने के लिए ये सारा इतना लंबा चौड़ा काम कर रहा हूँ और ये जो साइड है ये किस टाइप की है ये रेक्टेंगल है मीन अगर आप देखें ये एक्स था और हाइट इसकी एज थी तो लेंथ इन टू या लेंथ इन हाइट की बात करें तो ये रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है

यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन अब बेटा ये एज की वैल्यू हमने यहां से निकाली हुई थी कलर लैंग्वेज यूज की है इसको हम यहां पे रख देते हैं तो एस सरफेस एरिया आपके पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इंटू फोर ओवर एक्स स्क्वायर देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर ये ओके okay है तो हमने ये करना लीस मेटीरियल एक्चुअली हमने इसको अब मिनिमम प्रूव करना रिलेटिव मिनिमम के लिए हम सेकेंड डिव को पुट करने जा मेथड निकालने जा रहे हैं सो so, पहले जो है ना, इसका फर्स्ट डायवेटिव निकालते हैं फर्स्ट डायरेटिव में यू हैव टू दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स अच्छा ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा एक एक्स रह जाएगा ये डिनोमिनेटर से ऊपर गया नोमेटर में तो एक्स पार माइनस वन आ गया सो so, डिफेंशिएट विध रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरह ऑपरेटर यूज कर लें डी एस ओवर डी एक्स है एक्स स्क्र पे लैदा आ जाएगा यहाँ पे पार रूल अप्लाई होगा और इस पे भी पार रूल है उसमें पार टू आ रहा है इसमें पार क्या आ रहा है नेगेटिव वन आ रहा है सो पार रूल क्या होता था पार को नीचे उतारते थे पार में से माइनस करें बेस का डिव बेस चूंकि एक्स है सो एक्स का डेटिव क्या आ जाएगा वन के इक्वल ठीक है यहां पे भी लिख लीजिएगा लिखना चाहे डी वो डी एक्स इन टू एक्स एक्सर बेटा वन है सो so, ये फाइनली आपके पास आ रहा है टू एक्स माइनस टू देखें कोई कंफ्यूजन अब क्या करेंगे इसका अगेन कर लें ठीक है तो अगेन जब डिफेंशिएट करेंगे अगेन हमें ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा सो ऑपरेटर हम क्या करते हैं यूज करते हैं देखें जी डी ओवर डी टू एक्स माइनस दिस कॉन्स्टेंट बेटा बाहर आ रहा है ऑपरेटर वेरिएबल पे अप्लाई हुआ इसी तरह ही एक्स पार माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव वन है और एक्स पार माइनस टू पार रूल अप्लाई करेंगे पार को नीचे उतारे पार में से माइनस करें बेस एक्स था तो एक्स का डेरिवेटिव ले लिए अब टू माइनस सिक्सटीन इंटू टू आ जाएगा माइनस का डेवेटिव वन है इसको जरा नीचे ले जाते हैं एक्स की पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी ये नहीं थी, हमारा फर्स्ट था लेकेंडेटिव है तो इट मीन हमें दो चाहिए थी वो हमने निकाल ली है देखे यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके जब ये आ गया है सेकेंड डायवेटिव भी हमारे पास आ गया है तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट डायवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करने जा रहे हैं तो करते हैं जी ओके okay, तो फर्स्ट डवेटिव का इक्वल टू जीरो रखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा देश टू एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स होल पावर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है सही है इसको नेगेटिव टू को नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव एलसीएम ले लो जरा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स को टू एक्स एक्स स्क्र को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स क्यूब यह डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्सटीन उधर जाके पॉजिटिव टू डिवाइडेड बाई करेंगे तो एक्स आ रहा है हमें एक्स चाहिए एट को हम लिख सकते हैं टू का क्यूब एक्स इक्वल आ जाएगा होल पार वन ओवर थ्री ले ले तो एक्स एजिकल टू थ्री टू आ जाएगा दोनों तरफ पार वन ओवर थ्री लेंगे तो एक्स एजिक टू आ गया है इसको अब क्या करने जा रहे हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने जा रहे हैं और याद है सेकेंड डेरिवेटिव क्या था इसका ये आपके पास था थर्टी टू ओवर एक्स क्यूब था तो एक्स ये आई टू रख लें टू का क्यूब आ जाएगा एट एलसीएम ले लें टू को मैंने जरा टू और वन लिख लिया एलसीएम लेते हुए आसानी होगी सो so, आपके पास ये आ रहा है फोर्टी एट ओवर एट और एट सिक्स आर के आ जाएगा फोर्टी एट अब बेटा आपके पास सिक्स आ गया है और सिक्स ग्रेटर देन इसका मतलब मिनिमम यही उसने कहा था ना फॉर द लीस्ट लीस्ट मिनिमम अब जरा हम डायमेंशन भी देख लेते हैं सरफेस एरिया हमारे पास मिनिमम आ चुका है लेंथ हमने हमने थी एक्स अभी क्या निकाला है ये टू डेसीमीटर है वेथ भी यही था क्योंकि स्क्वायर भी थी हाइट हाइट अब हम देख रहे हैं वन में रखेंगे। याद हो ग्रीन कलर बिल्कुल ये साथ मैंने समझाने के लिए लिख भी दिया है याद आने के लिए फोर ओवर एक्स है सो इट्स हाइट विल बी

चूंकि एक से दो हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं सो आई सुजेस्ट के आप वीडियो को स्टॉप करें खुद इसका इक्वेशन बिल्ड करें और फिर उसको सॉल्व करें ओपली आप इसको कर सकेंगे करिएगा वीडियो स्टॉप कोशिश करें नहीं होता तो अब इस वादा मेरे साथ आप इसको ठली कहिएगा चलें शाबाश वीडियो स्टॉप करें होपफुली आपने इसको कर लिया होगा अब मेरे साथ टेली कर लें देखें रेक्टेंगल है तो हम सपोज कह रहे हैं उसकी जो लेंथ है हम उसको कह रहे हैं एक्स चूँकि यूनिट मीटर्स में दिया हुआ है तो हमने एक्स इन मीटर कह दिया है तो ये रेक्टेंगल बन गई है ये लेंथ इसकी एक्स है वर्थ हम बात करते हैं या वेथ इसकी कह देते हैं वाई ठीक है जी तो लेंथ और वेथ है अब उसमें उसने पैरामीटर एटी दिया है और पैरामीटर आपके पास क्या है गिवन कंडीशन में सम ऑफ द साइड्स ये x है तो अपोजिट साइड भी x होगी ये y है तो अपोजिट साइड भी y होगी तो इन मीन इट मीन्स टू एक्स प्लस टू वाई आ जाएगा और पेरे मीटर एटी का इक्वल दिया हुआ है सो टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा? 80 आ जाएगा एटी के इक्वल आएगा देखिएगा पहले यहाँ तक होके है, तो फिर आगे चलते हैं याद आ रहा है इसी टाइप का भी क्वेश्चन किया था टू कॉमन ले लें एटी डिवाइडेड बाई टू आपके पास क्या आ जाएगा फोर्टी या हम वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं वहां पर भी हमने यही काम किया था सो so, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फोर्टी माइनस एक्स देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन चले अब दूसरी चीज था एरिया मैक्सिमम करना और एरिया फॉर का लेंथ फॉर्मूलावल टू आ जाएगा एक्स इंटू वाई कुछ सेम पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन पहले कह चुके हैं सो so, वाई की वैल्यू यहां से वन से इक्वेशन टू में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा ए इंटू फोर्टी माइनस एक्स और यू कैन से आपके पास इक्वेशन आ चुकी है अब हमने इसको मैक्सिमम के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट डेबेटिव सेकेंड डेबेटिव टेस्ट निकाल लेंगे ऐसे ही चले निकलते यही क्वेश्चन आ चुकी है सो डिफेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको बेटा रिस्पेक्ट टू एक्स डिफेंशिएट करें ऑपरेटर यूज़ करें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा फोर्टी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव और डि स्क्वायर होल स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा रूल लगेगा बिल्कुल पार रूल अप्लाई करेंगे पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव और बेस चुके एक्स है और सो so एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा सो ये आ जाएगा फोर्टी टू फोर्टी माइनस टू एक्स आ जाएगा ये ले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन सिमिलरली अगेन डिफेंशिएट करते हैं सो अगेन डिफेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा ऑपरेटर यूज कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट का लहदा नेगेटिव टू और वेरिएबल का डेरिवेटिव लहदा आ जाएगा कॉन्सटेंट का डवेटिव जीरो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन सो ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया विच इज़ इक्वल टू माइनस टू

नेक्स्ट एक थिंग नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है क्वेश्चन नंबर सेवन से uh, मिलता जुलता है सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है अगेन ओपन टैंक है वहाँ पे भी यही था ओपन बॉक्स है साइड एक्स है वर्टिकल साइड टू कंटेनिंग गिवन ऑफ वाटर द डेप्थ वहाँ पे हाइट थी यहाँ पे डेप्थ हमने ले ली है एक्सपेंशन एक्सपेंस ऑफ द लाइनिंग साइड ऑफ द टैंक विल लीड द लीज ठीक है जी यहाँ पे बस थोड़ा सा इसने डिफरेंस दे दी है वो अभी हम साथ साथ इसको करते जाते हैं देखते हैं जी सबसे पहले तो हम स्क्वायर बेक्स है टैंक जो है इसकी बेस स्क्वायर है सो लेंथ ऑफ दिस टैंक हम ये कहते हैं जी एक्स यूनिट चूंकि स्क्वायर है तो लेंथ भी यही होगी और आपके पास ब्रेथ या वेथ भी यही होगी अब डेफ्थ का मतलब है कितनी गहराई है मीन उसी तरह हम इसको बेल्ट करते जाते हैं तो इसकी गहराई जो है हम इसको ए ही कह देते हैं ताकि वो सेम ही रहे ठीक है सो so, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह हम करने जा रहे हैं ठीक है तो ये आपके पास हाइट आ जाएगी एच डेप्थ आ जाएगी एच आ जाएगी ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं अब आपको पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ विड्थ हाइट ठीक है हाइट है या डेप्थ है चूंकि यहाँ पे वर्ड डेप्थ यूज कर रहा है इसलिए मैंने बैकेट में वो लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो ठीक है जी तो हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की अच्छा पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम फोर दिया हुआ था यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो हम वी लिख लेते हैं ठीक है हम क्या कहते हैं इसकी जगह वी रख रहे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ सेवन में ये था यहाँ पे फोर है यही डिफरेंस इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में लेंथ भी एक्स हमने सोर्स की है वेट भी एक्स है और हाइट या डेप्थ हमने एच कहा है सो so, वी इज इगो टू ए स्क्वायर है एच आ जाएगा और एच इजो टू वी ओवर एक्स स्क्वायर सेम पैटर्न पे सिर्फ आप देखें क्वेश्चन नंबर सेवन पे यहाँ पे फोर आ रहा था और यहाँ पे वी आ रहा है बस ये डिफरेंस क्वेश्चन में आ गए चले आगे क्या किया था हमने याद है टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा स्क्वायर बेस थी बिल्कुल बेस स्क्वायर है तो उसका एरिया स्क्वायर क्या होता है लेंथ इंटू वेड थी एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा बेस एरिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और याद है वहां पे भी ओपन टॉप था यहाँ पे ओपन टैंक है मीन इसका जो टॉप है वो ओपन होगा ठीक है ये देखेंगे ये ऊपर टॉप जो है ये ओपन है और इसकी चार साइड्स है तो हम चारों साइड और ये साइड जो है रेक्टेंगल की शेप में लेंथ की बात कर रहे हैं तो फोर टाइम एरिया ऑफ एनी साइड क्योंकि चार साइड आपको मैंने कलर लैंग्वेज में बता दिया है सो फोर इन टू क्या आ जाएगा एक्स एच है देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन याद आ रहा है सेम पैटर्न पे हम क्वेश्चन से नंबर सेवन कर चुके हैं वहां पे भी हमने एज की वैल्यू इसमें पुट की थी यहां पे भी एज की वैल्यू इधर पुट कर रहे हैं डिफरेंस ओनली इज वहां पे वॉल्यूम फोर था यहां पे वी टू वी ही लिखा है यहां पे वॉल्यूम गिवन नहीं है देखें जी यहां तक पहले देखें कोई कन्फ्यूजन ओके है चलें आगे ओके जी नेक्स्ट देखते आपके पास ये एस आ गया था मजीदरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स एक्स से कैंसिल होगा एक्स को ऊपर ले जाएं अब आपके पास एक क्वेशन आ गई डिफेंशिएट करें विस्पेक्ट टू तो एक्स तो तो पावर रूल आ जाएगा एक्स मीन पार कर नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव और इसी तरह नेगेटिव वन है इसको नीचे उतारेंगे इसी में से नेगेटिव करेंगे और बेस का डेरिवेटिव और बेस चूँकि एक्स है सो तो मैं डायरेक्ट लिखे एक्स का डेवेटिव यहाँ पे भी, भी वन है और सिंप्लीफाई कर ले तो नेगेटिव फोर वी ओवर क्या आ जाएगा पहले कन्फ्यूजन ओके okay, अब चले अगेन डेरिवेटिव भी हमें चाहिए सो अगेन रिस्पेक्ट टू विदेक्ट सेम पैटर्न क्वेश्चन सेवन सो ये टू कांस्टेंट so बाहर आ जाएगा एक्स का डेवेटिव लादा ले लें फोर वी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स की पावर माइनस टू का डेरिवेटिव ले लें एक्स का डेवेटिव होता है ये पार रूल अप्लाई करेंगे पार को नीचे उतारें पार में सिक्स माइनस करें बेस का डेरिवेटिव वो ऑलरेडी वन है सो so ये आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा टू प्लस एट वी ओवर एक्स क्यूब ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री तो दोनों डेरिवेटिव बेटा हमने क्या किया निकालनी है देखें यहां था कोई कन्फ्यूजन चलें जी उसके बाद क्या कहते होते थे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखेंगे और वहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे ही था चलें जी करने की कोशिश करते हैं ये देखिएगा जी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था इक्वेशन टू थी इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक्स आपके पास क्या आ जाएगा ये फोर ये एक्स पार माइनस टू है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा ये एलसीएम ले लेंगे टू एक्स क्यूब माइनस फोर वी एक्स डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू फोर आ रहा है और एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई टू टू आ जाएगा एक्स की वैल्यू चाहिए सो so दोनों तरफ होल पार वन ओवर थ्री ले लें तो ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू ये एक्स की वैल्यू आ गई और इस एक्स की वैल्यू को किस में पुट करेंगे बिल्कुल सेकेंड डाइवेटिव में पुट करेंगे सो पुट एक्स इज इक्वल टू टू वी होल पारन ओवर थ्री इन इक्वेशन थ्री सो इक्वेशन थ्री में हम इसको पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पर आ जाएगा टू वी वन ओवर थ्री अच्छा होल पार थ्री ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो ये एट वी ओवर टू वी 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 से कैंसिल हो रहा है टू फोर एट तो टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स ग्रेटर देन ग्रेटर का मतलब है लीस्ट मीन मिनिमम तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर द मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू की उसने बात की थी अब जरा इसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं सरफेस एरिया आपके पास आ चुका है लेंथ हमने सपोज की थी एक्स एक्स ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया है टू वी होल पार वन ओवर थ्री बेथ भी हमने यही की थी हाइट या डेप्थ है इसमें डेप्थ हमने फाइंड करनी है इसके लिए ये देखो इस इक्वेशन में से आप वी की वैल्यू निकाल लो ये बात थोड़ा सा एक पॉइंट देर में रखना है यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकाली है और इस v की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है इक्वेशन इक्वेशन में, हमें डेप्थ डेप्थ चाहिए और के लिए हमने क्या की जगह पे अब थ्री रखना कलर लैंग्वेज यूज की हुई है और नीचे आपके पास एक्स स्क्र है एक्स आपस में कैंसिल होकर एक एक्स रह जाएगा सिंपली आप इसमें करें तो डेप्थ इसकी आ जाएगी एक्स दैट्स इट तो बस ये एक्स में थोड़ी सी चेंजिंग थी ये वाला आपने को फोर का पॉइंट जेन में रखना है ये वैल्यू इसमें पुट करनी है आपने एट द एंड फॉर फाइंडिंग डेप्थ यही एक्चुअली उसने पूछा था टू फाइंड डेप्थ ऑफ द देंक देखें जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन चले आगे ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर टेन की बात कर रहे हैं यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ अ मैक्सिमम एरिया फिट द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए एज शोन ऑन द फिगर देखें रेक्टेंगल है इस टाइप के दो तीन अभी क्वेश्चन करके हटे हैं बट यहाँ पे एक सेमी सर्कल उसने इंक्लूड किया है तो कहता है एक रेक्टेंगल है जो सेमी सेमी का मतलब हाफ सर्कल है तो ये इसके अंदर रेक्टेंगल है तो इसकी आपको कहता है जी डायमेंशन फाइंड फाइंड करनी करनी है करनी है मीन लेंथ और ऐसी रेक्टेंगल जो इस सेमी uh, सर्कल में फिट होगी और इस सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है एट सेंटीमीटर ये डायग्राम गिवन भी है ठीक है यहां तक क्वेश्चन भी है और सारा डायग्राम भी गिवन है हमें डायमेंशन मीन लेंथ और वेथ फाइंड करनी है वो जरा देखते हैं फॉर द मैक्सिमम एरिया चलें जी निकालते हैं हम सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर चूँकि ये सेंटीमीटर यहाँ पे ये यह मैंने टू एक्स लिखा वैसे हम एक्स लिखते हैं क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा विद ओरिजन तो मैंने एक्स और एक्स कह दिया बस ये थोड़ा सा डिफरेंस नोट कीजिएगा वैसे हम लेंथ एक्स कहते हैं और विथ वाई कहते हैं लेकिन चूंकि ये सेमी सर्कल के अंदर ओरिजन है तो दोनों साइड हमें लेनी पड़ेगी सो टोटल लेंथ जो आ जाएगी रेक्टेंगल की वो एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स तो यहाँ से पहले थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है वेथ हम उसी तरह इसकी या ब्रेथ हम इसको वाई ही बोलते हैं ये ले जी वाई आ गए अब अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी आपको नजर आ रही है खैर पहले कंडीशन की तरफ आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए और वो क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ इसमें बेटा टू एक्स है ठीक है रेक्टेंगल की बात हो रही है और ब्रेथ इसमें वाई है सो so, आप दूसरी कंडीशन भी एक दी हुई थी यहां पर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कौन सी ओ

क्यों निकाली है अब इसको सोचिएट करेंगे किस में इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे ओके है जी चलें जी तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा सिक्सटी फोर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट को इक्वेशन वन में नॉट टू में आ, ये थोड़े से इक्वेक्शन कर दूं इक्वेशन टू से हम इक्वेशन वन में रख रहे हैं तो ये जरा इक्वेशन वन लिख लीजिए ओके okay जी एक ये छोटी सी कुरेक्शन थी अच्छा जी यहां तक हमारे पास आ गया था बल्कि ये भी आ गया था राइट एंगल था हां जी वाई की वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं जैसे ही आप पुट करेंगे तो टू एक्स इंटू फोर माइनस एक्स रूट आ जाएगा और आप अंडर रूट खत्म करना चाहें तो स्क्वायर ले लें दोनों तरफ सो ए स्क्वायर रहेगा टू फोर एक्स स्क्वायर इंटू या फोर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू सिक्सटी फोर आ जाएगा टू फाइव सिक्स एक्स स्क्वायर एंड फोर इंटू एक्स स्क्टिव फोर फोर आ जाएगा अब इसको डायरेक्ट भी आप फर्स्ट और सेकंड डिवाइटर से कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक लग्जरी है हम इसको किसी एक और आ, के नाम फंक्शन के दे रहे हैं हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई हम इस ए स्क्वायर को वाई का नाम दे देते हैं इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है ऐसे ही है सो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू फिफ्टी एक्स सिक्सटी सिक्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फोर देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन याद आ रहा है आपने ये पहले भी किया था आपकी एग्जाम्पल में भी ये सपोजिशन उसने इस तरह बताई हुई है सो so, अब हम क्या करने जा रहे हैं हम इसका डवेटिव लेते हैं हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए तो बेटा क्या करेंगे फर्स्ट डेवेटिव और सेकेंडिव टेस्ट हम पहले इसका फर्स्ट निकालते हैं सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑपरेटर यूज करेंगे टू फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टेंट आइए बाहर आ जाएगा एक्स है और एक्स फोर पार वुल अपलाई करें फॉर एक्सक्वायर एंड एक्स पार फोर पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें सो so, ये आ जाएगा टू का नीचे उतारा टू में से माइनस किया फोर का नीचे उतारा फोर में से एक माइनस किया एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है यस वन सो ये आ जाएगा टू एक्स इधर आ जाएगा फोर एक्स फोर माइनस वन क्यू टू फिफ्टी सिक्स इंटू टू करेंगे तो ये आ रहा है फाइव ट्वेल्व एक्स माइनस फोर फोर ये लेंजी फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुके हैं अब हम क्या करने जा रहे हैं इसका सेकेंडिव सो अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन ऑपरेटर अगेन ऑन बोथ साइड विच एस डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट बेटा बाहर निकाल लें लेंटिव एक्स पे इसी तरह -16 और एक्स क्यूब एक्स का डेवेटिव पार अप्लाई करें पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें तो ये आगे थ्री एक्स क्यूब थ्री माइनस एक्स का डेवेटिव क्या आ जाएगा वन के इक्वल तो यह आज थ्री एक्स स्क्वायर फोर्टी एट आ जाएगा ये लेनी से आपके पास आ चुका है इसके बाद हम क्या करते होते थे yes, first derivative को equal to zero रखेंगे, और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ये है first derivative जी, square minus 4 4. अगले पार्ट uh, में करते हैं इसको तो ये है टू सॉरी फर्स्ट ये आपके पास, minus cube. So, हम first derivative को बेटा इक्वेशन थ्री uh, को हमने इधर लिखा है इसको इक्वल टू जीरो रखें अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं ताकि हम फिर क्या करें इसको सेकेंड डेरिवेटिव में इसको पुट कर सकें पहले देखें नहीं यहां तक ओके okay। चलें चले आगे चलते हैं फिर ओके यहां तक हमारे पास आ चुका है कॉमन निकालने सिक्सटीन एक्स कॉमन कर रहा है तो थर्टी टू माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है सही है सो एक्स आइर करके लिख लें लेंटी उधर जाके वैसे ही खत्म हो जाएगा जीरो आइधर करके लिखे एक्स इजो टू जीरो एक्स जीरो आप नहीं ले सकते क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास लेंथ वेट की वो बात ही खत्म होगी सो so, हम इसको इम्पोसि इग्नोर कर रहे हैं हम चलते हैं थर्टी टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू चाहिए बाई टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ थर्टी टू को हम चूंकि पॉजिटिव प्लस माइनस आता है हम प्लस लिख रहे हैं लेंथ है ये एक्स क्या है लेंथ है

फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अंडर टू का स्क्वायर ये सिंपल अंडर टू आ जाएगा सो so ये आपके पास आ जाएगा सिक्सटीन इंटू टू एंड सिक्स इंटू टू थर्टी टू थर्टी टू इंटू फोर्टी एट देखते जाएगी आपके पास वन फाइव थ्री सब करेंगे तो आंसर आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव में इज 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 लेस सो द फंक्शन मैक्सिमम यही उसने कहा था फॉर द मैक्सिमम एरिया तो डायमेंशन फाइंड करते हैं लेंथ हमने क्या बोला था लेंथ हमने बोला था एक्स प्लस एक्स अब ये डबल एक्स आ रहा है सो so, एक्स की वैल्यू आप क्या करें या तो प्लस कर लें या टू से मल्टीप्लाई कर दें करो so, येगी एट इन टू हंड्रेड टू सेंटीमीटर देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन के लिए हमने इक्वेशन हम यूज करेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वाई याद है इक्वेशन इक्वेशन टू की बात कर रहे हैं वाई आपके पास क्या था सिक्सटी फोर माइनस एक्स स्क् रूड ये ऊपर याद आने के लिए दोबारा लिख रही है सो यहां पे एक्स की वैल्यू रखें तो ये अगेन फोर का स्क्वायर आ जाएगा सिक्स इंटू टू थर्टी टू सिक्सटी फोर माइनस अंडर रूट फोर आ जाएगा सो फाइनली ब्रेथ ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल देंगल इंटू अंडर रूट सेंटीमीटर ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट व्यू से बात करें तो ये आपके सामने मैंने कोशिश की है थॉरली इसको एक्सप्लेन करने की देखिएगा यहाँ तक ओके okay है तो बताइएगा फिर आगे चलते हैं चले जी अब आते हैं लेक्चर के लास्ट टू क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल भी इस टाइप की दी हुई है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आई थिंक सो so, पेपर में आ चुकी है ईयर पेपर में आप देख सकते हैं सेकेंड चैप्टर के पास ईयर पेपर आठ नौ साल नाइन ईयर के मरल मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर्स भी हैं सेपरेट है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैंडी उसको जरूर देखिएगा यानी कि ऑब्जेक्टिव लादा हर चैप्टर के किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन लादा और लॉन्ग लादा तो वो जरूर आप वीडियो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या है मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व कहता है इस कर्व पे एक पॉइंट है दैट इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट थ्री एंड माइनस वन एक कर्व है नी उस पर यह पॉइंट फाइंड करना है जो थ्री वन के क्लोजेस्ट है आप ग्राफ बनाना चाहें टाइम हो तो जरूर बनाएं हम ये सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट पी है जो रिक्वायर्ड पॉइंट है और इसका डिस्टेंस जो है थ्री माइनस वन क्या होगा देखें ये ग्राफ अगर आप बिल्ड करें ग्राफ आपको फर्स्ट चैप्टर 11.2 फर्स्ट ईयर में 1.5 पॉइंट फाइव चैप्टर में बड़ा तफसीली हम ग्राफ बनाना मैं सिखा चुका हूं सो so, अगर टाइम है तो ग्राफ बना लें बेहतर है ठीक है अभी मैं डायरेक्ट सिर्फ प्रेजेंट आपको कह रहा हूँ देखें ये वाला पॉइंट है कर्व पे ये कर्व आपके पास इस शेप की बनेगी ये पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है वो ये कह रहा है कि दैट इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट वच इज थ्री माइनस ठीक है हमने क्लोजेस्ट वाला पॉइंट देखना है खैर यहां पे डिस्टेंस आपको याद है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता था फार्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर होल अंडर रूट याद आ रहा है सो so, आपके पास ये एक्स वाई और थ्री वन के दरमियान लेंगे सो एट डिस्टेंस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और वाई माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर दोनों तरफ ले लेंगे तो अंडर रूट भी खत्म कर दिए अब ये वाई मैंने कलर कर दिया है क्यों किया है एक्चुअली ये वाई दिया हुआ है कहाँ पर दिया हुआ है ये देखो ऊपर y किसके वाई किसकेर माइनस वन तो यहां से हम क्या करेंगे ये y की वैल्यू वहां से उठाएंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे ताकि वेरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो ये आ रहा है ये देखो मैंने कलर लैंग्वेज यूज की हुई होपफुली आपके लिए आसान होगी तो y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन 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 से कैंसिल हो जाएगा ये पर्पल वाले में तो फॉर्मूला लग गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये नेगेटिव प्लस वन से कैंसिल हो गया सो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है? जी मैक्सिमम लेवल पे आप इसको लेके जाना ताकि जब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें तो हमारे लिए आसानी हो अब बेटा ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स एक्स फोर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है यहां तक देख लें कोई कंफ्यूजन ओके अब हम इसकी सेकंड डेरिवेटिव मेन फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं बट यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अभी हम यूज़ कर रहे हैं हम डी स्क्वायर को करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा हम ये कहते हैं एल डिनोट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हम डी स्क्वायर को एल के इक्वल्स फोर्स कर लेते हैं यहाँ से अब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के लिहाज से लेकिन मसला इसमें यह है खैर अभी मसला आके बताता हूँ पार हाइएस्ट आ रही है खैर एक्स फोर पे पार रूल अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर पे आ जाएगा नेगेटिव से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एंड नाइन एक्स फोर पार रूल क्या कहता है पार को नीचे उतारें पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव और बेस इसमें एक्स और एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है वन अकेला कॉन्स्टेंट और उसका डेरिवेटिव जीरो है तो आप देखें जी पार रूल फोर एक्स फोर पे भी लग गया है टू एक्सर एक्सक्वायर पे भी लग गया है एक्स का डेवेटिव वन आ गया कॉन्स्टेंट अकेला नाइन था

एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा जी पार को नीचे तारे पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट सिक्स इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा सो फाइनली वी हैव आर सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू से दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री देखिएगा जी यहां तक कोई कन्फ्यूजन चलेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बेटा आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव रखना आपको मसला क्या डिवीजन कर तो हमें करनी पड़ेगी ठीक है जिनको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आती फर्स्ट ईयर में वो एक्सरसाइज आई थिंकोर पॉइंट फोर थी वो देख लीजिएगा वहां पे मैंने थारोली बताया हुआ खैर यहाँ पे भी कोशिश करते हैं जी, इसको आपको समझ आ जाए फोर एक्स क्यूब है सबसे पहले जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू कॉमन निकल रहा है उधर जाके खत्म हो जाएगा और इसमें बेटा क्या आ जाएगा ये आपके पास देखें वहां पे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू दी होती थी जहां से हमने स्टार्ट करना होता था इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू भी नहीं दी हुई सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कहाँ से करें इसके लिए एक सिंपल आपको मेथड बता रहा हूँ आप एक्स की जगह पे अपनी मर्जी से पहले वैल्यू वन रख के देखें ये रफ काम है ये रफ वर्क है ये आ जाएगा आपके पास टू थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो दोनों साइड सेम आ रही ठीक है अगर ये वन पे आंसर जीरो ना आता तो आप माइनस वन रख के देखते यानी कि जिस पे ये दोनों साइड सेम आ जाए जिस वैल्यू पे जो वैल्यू सेटिस्फाई करें वही हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी तो ये वन हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आ गई है अब जरा इसके कॉफिशन लिखते हैं एक्स क्यूब है एक्स था ही नहीं लेकिन हमने तरतीब में लिखना होता है एक्स और एक्स नॉट एक्स पार जीरो समझाने के लिए आप वहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब का इधर है एक्स है स्क्वायर ही नहीं है वो जीरो माइनस थ्री है यार आ रहा है सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड हमने वन से करना है सो स्टार्ट विद वन वन हमने मेथड मैंने बता दिया है तो पहला तो एज इट इज आ जाता है जीरो लेके दोनों को एड करेंगे सो टू प्लस जीरो क्या आ जाएगा टू के इक्वल आ जाएगा देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन फिर क्या करते होते थे याद है ये जो वन है मैं एरो दे रहा हूं वन को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आता था वो यहां पे लिखते थे याद आ रहा है तो जीरो प्लस टू क्या आ जाएगा अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे ओके okay? फिर क्या करते होते थे इस वन को मैं कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ एरोज कर रहा हूँ अब बात पेपर में इतने एरो करने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए आपको समझाने के लिए सो वन इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे और टू यहां पर लिखेंगे इन दोनों को फिर एड कर लें क्या आ रहा है थ्री अब थ्री को क्या करेंगे वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये थ्री आ रहा है ऐसे ही है इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जीरो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए वही आपका सही है कि आपने ये स्टार्टिंग नंबर ठीक रखा है वो कंफर्म भी कर लेते हुआ क्या है कि एक पार कम होगी एक्स थ्री है तो अब जब डिप्रेस इक्वेशन लिखेंगे एक्स एक तो जीरो होगी ना टर्म तो ये अब आ जाएगा फर्स्ट वाले के साथ एक्स स्क्वायर आएगा सेकेंड वाले के साथ एक्स है और तीसरा कॉन्स्टेंट इसको डिप्रेस इक्वेशन लिखते थे याद है आपको तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री मैंने ये बॉक्सेस भी बना के आपको हाईलाइट कर दिए देखें जी यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके चले आगे ओके। अब बेटा इसके फैक्टर बना लें या तो फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यहां पे लगेगा मिड टर्म ब्रेक डायरेक्टली नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और याद है उसका कंपेयर करते होते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सो ए की वैल्यू टू आ रही बी इज इगोल टू टू आ रही सी इज टू थ्री क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए जस्ट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड जस्ट सिंप्लीफाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टू स्क्ट थ्री इजार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी मीन की फॉर्म में रियल वैल्यू इसकी नहीं आ रही है तो आप जब ये चीज़ आ जाए रूट समेजनी आ जाए तो इसको आप इग्नोर कर देंगे तो ह ये इसके फैक्टर ए, रियल में नहीं आ रहे हैं बट एक हमारे पास फैक्टर आ चुका था जो है वन इसी को हम आगे लेके चलेंगे देखो पहले यहाँ तक ओके है तो फिर आगे चलते हैं ओके okay, जी तो यहां तक हमारे पास आ चुका था एक्स एजिक वन हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन थ्री में इक्वेशन थ्री में जब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे मीन आप सेकंड डेरिवेटिव में ये एक्स की वैल्यू रखेंगे और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास था इक्वेशन थ्री ट्वेल्व एक्सर प्लस टू याद आ रहा है ये मैंने राइट साइड पर लिख भी दी है सो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ट्वेल्व प्लस टू क्या आ जाएगा ये फोर्टीन के इक्वल आ जाएगा यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन और फोर्टीन बेटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव विच इज मिनिमम ग्रेटर देन जीरो का मतलब मिनिमम है तो ये क्लोजेस्ट तो आ गया मिनिमम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं अब आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एज मिनिमम एट ये अब आप पुट कर दें किस में गिवन गिवन क्या थी वाई जीगेडोर माइनस वन सो आपके पास ये आ जाएगा वाई जिगेड इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट था एक्चुअली रिक्वायर्ड पॉइंट हमने एक्स वाइज सपोज किया था तो P ऑफ एक्स वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास इधर वन आई है वन को आपने गिवन में किया है तो y की वैल्यू भी आ गई तो रिक्वायर्ड पॉइंट यहां पे जो आ रहा है वो वन एंड जीरो आ रहा है देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन यही हमने बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना था तो ये क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है आपने क्या करना है इसको खुद अटेम्प्ट करना है जी क्वेश्चन नंबर हैव टू फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज क्लोजेस्ट टू पॉइंट वीडियो को स्टॉप करें कोशिश करें इसको खुद करने की इन कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी हाई हो जाएगा और जैसे ही आप uh, कर लें फिर वीडियो प्ले करके हमेशा टैली कीजिएगा चलें इन शाबाश कीजिएगा ओके okay जी अब मैं करो आ रहा हूँ हम उसी तरह सपोज कर लेते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट पी है जो कि क्लोजेस्ट uh, है 18 एंड 1 के कर्व अगर बना लें ग्राफ तो बहुत बेस्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगी ये सपोज कर रहे हैं ये वाला पॉइंट है और ये क्लोजेस्ट है जी एटीन और वन के ठीक है ये सपोज किया है ये इनका उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस बिटवीन एंड एंड दिस पॉइंट वाई माइनस वन का होल स्क्वायर वाई की वैल्यू हम वहां से उठाएंगे जो गिवन इक्वेशन है और वो इधर पुट कर देंगे अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है वाई इक्वल दिया हुआ था दिस टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वन के इक्वल दिया सो so y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लेंगे यहाँ पे बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायेर का फार्मूला ये प्लस माइनस ये बिल्कुल देखो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया और एक एग्जाम्पल भी है इसी टाइप की वो उसने फर्स्ट डायवेटिव टेस्ट से की हुई है मैंने ये सेकंड से आप सेकंड से करना चाहें इससे भी ये फर्स्ट डायबेटिव से भी दो ये वाली क्वेश्चन भी फर्स्ट डायबेटिव टेस्ट से हो जाएंगे अच्छा जी फार्मूला ओपन करें ए स्क्वा स्क्वायर मोस्ट सिंपलीफाइंग स्क्टी फोर थर्टी सिक्स थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं ये ले आपके पास डी स्क्वायर यहां तक आ चुका है देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन चलिए आगे चलते हैं। फिर। देखें तो बेटा आपके पास क्या आ, रहा है? आ हमने जी, एल तो से हम जान इसको हमने एल सपोज कर लिया है ये आपके पास आ गई जी आ, इसको डिफ्रेंशियट करें रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ऑपरेटर अप्लाई करें फॉर एक्स फोर अलहदा आ जाएगा एक्सक्र अलहदा थर्टी सिक्स के लिए एक्स फोर है 3, 2, 4. X 4 है तो पार X square है तो पार X का derivative 1 तो derivative है। तो और और अकेला हो उसका आ आप देखें बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो भी हम क्वेश्चन कर है। रहे हैं चल रहा है सो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ चुका है अब अगेन डिफरेंशिएट करें डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा रहे हैं सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स

अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखने जा रहे हैं यहाँ पे फिर वही मसला आ रहा है कि ये हाईएस्ट पावर क्यूब में आ गई है तो हमें सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी सिंथेटिक डिवीजन में पहले तो ये टू कॉमन हो रहा है सिंथेटिक डिवीजन में फिर वही मसला है कि स्टार्ट कहाँ से करें किस नंबर से इसकी डिवीजन करें सो so इसके लिए फिर मैं कर रहा हूँ एक्स इजिकल टू वन आप चेक करेंगे आंसर दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा यह ज़रा चेक कीजिएगा माइनस वन पर भी नहीं आ रहा लेकिन जैसे ही आप एक्स एजीको टू टू रखेंगे इस में, तो दोनों साइड सेम आ रही है so, नंबर सो so, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो आ जाएगा टू एक्स क्यूब इसके एक्सकेफिशियंट लिखते हैं एक्स क्यूब का टू एक्सक्वायर था ही नहीं वो जीरो है एक्स का कॉफिशियंट वन है और कॉन्स्टेंट नेगेटिव एटीन है ओके okay, जी स्टार्टिंग पॉइंट हमने पहले ढूंढ लिया था वो टू था टू है नंबर आ जाएगा पहला जीरो दोनों को ऐड करें और जो आंसर आ रहा है इसको टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फोर आ रहा है फिर ज़ीरो प्लस फोर कर लें जो कि फोर आ रहा है फिर टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर के साथ टू फोर जार आ जाएगा एट इधर लिखते होते थे इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आ रहा है नाइन फिर टू को मल्टीप्लाई करें नाइन से और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है प्लस एटीन तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया बेटा जीरो तो इट मीन्स आपने ये जो, जो फैक्टर लिया था वो ठीक लिया था आप क्या कहते हैं एक आपके पास टर्म कम होगी है इसकी डिप्रेस इक्वेशन उसी तरह क्यूब की कांस्टेंट आ जाएगा मीन टू के साथ एक्स जाएगा फोर के साथ एक्स एक 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 है और कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो आगे इसकी डिप्रेस इक्वेशन याद आ रहा है फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे सो अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको क्योंकि डायरेक्ट मेटम ब्रेक नहीं हो रही सो ए बी सी आ जाएगी वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ए आपके पास टू है बी फोर एंड सी इज इक्वल टू नाइन है सो so, हम सपोज कह रहे हैं कि एक्स आपके पास ये होता था फार्मूला सेंस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड देन सिम्प्लीफाई सो स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ये नेगेटिव अंडर रूट में आ रहा है और नेगेटिव अंडर रूट का मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है ये कम्पलेक्स वैल्यू ये एमेजनरी वैल्यू आ गई इसको हम इग्नोर कर देंगे तो एक आंसर हमारे पास पहले आ चुका था टू इसी को हम क्या करेंगे आगे लेके चलेंगे पहले देखें यहां तक ओके okay है नहीं चल आगे देखते हैं ओके okay, जी तो एक्स जीगो टू टू हम पुट कर रहे हैं कि इसमें इक्वेशन थ्री में इक्वेशन थ्री में जैसे ही हम एक्स जीगो टू टू रखेंगे इक्वेशन थ्री याद है ये मैंने राइट साइड से रिमाइंडर के तौर पर लिख दी है सो so, ट्वेल्व इन टू थ्री का स्क्वायर एक्स सॉरी टू का स्क्वायर प्लस टू सो टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर ट्वेल्व फोर फोर्टी एट प्लस टू फिफ्टी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है फंक्शन क्या आ जाएगा मिनिमम मीन ये क्लोजेस्ट मीन लीस्ट वैल्यू आ गई अब एक्स और वाई एक्स तो हमारे पास आ चुका है एक्स हमारे पास टू था इसको गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी इज इक्वल टू टू पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा एक्स की जगह पे आ गया टू और वाई फाइव ये लेनी ये आपका था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब ऑनेस्टली बताइएगा ये क्वेश्चन किन का ठीक है और जिन्होंने खुद अटेम्प्ट किया होगा तो लेक्चर थॉरोली देखा है उनके लिए बड़ा मजे का होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया होगा कि यार ये 2.10 कुछ भी नहीं है ये सिंपल एक्सरसाइज है जैस आपने पहले डी कोड करना है वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में इक्वेशन में और फिर उसको सेकेंड एवेटिव से सॉल्व कर लेना चलें जी ये थी आपका चैप्टर मैंने पूरी कोशिश की है बेटा आपको पता है कि एक्सीडेंट की वजह से अभी इफेक्ट्स चल रहे हैं अभी एक से दो वीक और हैं जो अभी मुझे स्लिंग लगानी है लेकिन फिर भी अलहमदिल्ला राइट हैंड जितना भी मेरा हेल्प कर रहा है लेफ्ट हैंड से ये मैं आपके पूरे करते जा रहा हूँ ठीक है जी तो ये 2.10 पॉइंट टेन है नेक्स्ट सेवन पॉइंट फोर और फाइव आपकी रहती है उसकी काफ़ी आ रही है रिक्वेस्ट और उसके बाद अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर अगले चैप्टर चैप्टर थ्री की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है आपसे रिक्वेस्ट है यार मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लेक्चर थ्योरी एग्जैम्पल्स तक कर दी हुई हैं और उतनी एग्जाम्पल मैं ग्रंटेड कहता हूँ कि कोई भी आपको अकेडमी वाला नहीं करवा रहा जितनी मैंने उधर करवा दी है इवन घर में होम ट्यूटर नहीं करवाता तो बाकी आप खुद अटैम्प्ट करो जब ये कॉपी पेस्ट ही करना है तो फिर क्या समझना आपने तो अटैम्प्ट करो चैप्टर थ्री को हाँ जिंदगी रही तो मैं कोशिश करूँगा उसको करने की ठीक है जी चलें जी अभी तक के लिए इतना ही ओके जी नेक्स्ट मुलाकात होगी अगर लेक्चर नेक्स्ट जैसे ही बनता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी ओके हाफिज़